स्वागत है आपका सुरागी लाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। चोरी की बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए मैकेनिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। बीते बुधवार को मोहल्ला शिवनगर निवासी राहुल शर्मा ने घर के बाहर से बाइक चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी अभय प्रताप सिंह के निर्देश पर कटोराताल पुलिस चौकी प्रभारी विपुल जोशी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर टीम ने बाजपुर रोड से आरोपी को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक चोरी का चेसिस, 3 मोटरसाइकिल की टंकिया, मडगार्ड कवर बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे की लत पूरी करने के लिए चोरियां करता है। चोरी की बाइक वह मुरादाबाद व आसपास क्षेत्रों में बाइक को काटकर उसके पार्ट्स को बेच देता है। पूछताछ में आरोपी ने उसके 2 और साथियों का नाम बताया। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। अब नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। महिला से ऑनलाइन 9.96 लाख रुपए ठगे, रिपोर्ट दर्ज। 5 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। काशीपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। विद्यार्थियों ने किया प्रकाश पाइप लिमिटेड ब्रांड का भ्रमण। अब खबरें विस्तार से। टेलीग्राम के जरिए टास्क देकर एक महिला से 9.96 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हेमकुंड फार्म प्रतापपुर में रहने वाली महिला ने दी शिकायत में बताया कि उनके पास अनजाने नंबर से टेलीग्राम ऐप पर जुड़ने का मैसेज आया था, जिसने बताया था कि वह घर बैठे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उनको कंपनी द्वारा बताए गए टास्क को पूरा करना होगा। महिला से उसे गूगल मानचित्र पर समीक्षा करने के लिए 150 रुपए देने की बात कही गई। शुरुआत में उसे रुपए मिले भी, इसके बाद उसे 1600 रुपए का भुगतान करने को कहा, जिसके एवज में उसे 2400 रुपए वापस मिले। इस तरह ठगों ने करीब 9.96 लाख रुपए का भुगतान करवा लिया। उन लोगों ने 14 लाख रुपए रिटर्न देने की बात कही थी, बाद में अकाउंट डिलीट कर दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बार एसोसिएशन के सभागार में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नए कानून के संबंध में काशीपुर, जसपुर, बाजपुर के अधिवक्ताओं की बार भवन में चल रही 5 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण रितेश कुमार श्रीवास्तव, मोनिका मित्तल, सचिन कुमार, विनीत कुमार श्रीवास्तव, करिश्मा डंगवाल, दीप्ति पंत मौजूद रहे। अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारीगणों ने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग आगे भी जारी रहे, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। वहां काशीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे, उपाध्यक्ष अनूप शर्मा, सचिव नृपेंद्र कुमार चौधरी, उप सचिव सूरज कुमार, कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, ऑडिटर हिमांशु बिश्नोई, अर्पित कुमार सौदा आदि मौजूद रहे। काशीपुर कृषि विज्ञान केंद्र में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की तरफ से कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास गांव के सैकड़ों किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पर उपस्थित कृषि अधिकारियों ने मछली, मुर्गी व गाय पालन एवं सह फसली खेती करके आय बढ़ाने की प्रेरणा दी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना है कि हर एक किसान की आय दोगुनी हो। इसके लिए गोष्ठी के माध्यम से किसानों को आय बढ़ाने के लिए तौर तरीके बताए जा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। केंद्रीय विद्यालय काशीपुर की भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड क्लब के 20 विद्यार्थियों के एक दल ने भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के तत्वाधान में काशीपुर स्थित प्रकाश पाइप लिमिटेड प्लांट में शैक्षिक भ्रमण किया। इस शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पीवीसी पाइप उद्योग के भीतर मानकों के अनुपालन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना था। आज के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ।